लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के तीसरे चरण में होने वाला मतदान आज आगरा की आगरा सुरक्षित लोकसभा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गया है। सुबह से ही मतदाताओं में मतदान करने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई है। मतदान में पहली बार वोट कर रहे युवाओं में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। आगरा सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में 550 मतदान केंद्र पर 1760 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 17,57,040 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 9,85,105 पुरुष, 8,06,837 महिला और 98 थर्ड जेंडर मतदाता, 11 प्रत्याशियों और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के 1935 बूथों पर 17,94,747 मतदाता हैं, जिनमें 9,69,264 पुरुष मतदाता, 8,24,729 महिला मतदाता और 30 थर्ड जेंडर मतदाता लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भाग लेकर 9 प्रत्याशियों के भाग का फैसला अपने मताधिकार का प्रयोग कर ईवीएम में कैद करना शुरू कर दिया। वहीं युवा वर्ग के मतदाता ऐसी सरकार और सांसद चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं जो रोजगार दे और क्षेत्र की समस्याओं का विकास कर सके। हीट वेव को लेकर जिला प्रशासन ने मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर धूप से बचने और पेयजल की व्यवस्था की गई है तथा मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पल को तैनात किया गया है।